हाय फ्रेंड, आज मैं आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप YouTube पर चैनल कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से। आज मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मोबाइल पे भी नया YouTube चैनल बना सकते हैं। और जैसे काफ़ी यूट्यूबर YouTube से पैसे कमाते हैं, वैसे आप भी कमा सकते हैं अपने वीडियो अपलोड करके। तो अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने YouTube को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं YouTube को ओपन कर लेता हूँ। YouTube को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को इस प्रकार से मिल जाता है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद में अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर आपको नया ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने ऊपर की साइड में ऑप्शन आ जाता है ऐड अकाउंट। तो यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको लगा देना है। तो यहाँ पर लगा देने के बाद चेकिंग इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाता है और ये थोड़ी देर में हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने नीचे की साइड में ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आपको इंटर और फ़ोन नंबर पर अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। अगर आपको नई ईमेल आईडी बनानी है तो यहाँ पर आपको क्रिएट ए अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर देने के बाद में अगर आप अपने मोबाइल में ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो माई सेल्फ अपने लिए अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर माई सेल्फ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पर जिस भी नाम से आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ राहुल, और लास्ट नेम में मैं जो भी करना चाहता हूँ जैसे यादव या आप जो भी भरना चाहते हो यहाँ पर आप भर दीजिए। और भरने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ पर भर देता हूँ। भर देने के बाद में यहाँ पर आपको ईयर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ कर देने के बाद नीचे की साइड में यहाँ पर आपके सामने जेंडर का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको जेंडर पर चूज़ कर लेना है जैसे मेल या फीमेल। तो यहाँ पर मैं मेल चूज़ कर लेता हूँ। और चूज़ करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ पर आपको अपने नाम से ईमेल बना लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे राहुल, और लिख देने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ भी नंबर टाइप कर देना है। तो मैं जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख के सर्च कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ पर इस नाम से पहले से ईमेल बन चुका है। तो मैं कोई और यहाँ पर ट्राई कर देता हूँ जिसे मैं यहाँ पर www लिख देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी जैसे यहाँ पर आपको लेटर रख देने जैसे ABCD के कोई भी अक्षर यहाँ पर आपको लिख देने हैं, और लिखने के बाद में यहाँ पर आपको नंबर भी यूज करने हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे राहुल लिख के मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देता हूँ जैसे 1 2 3 4। यहाँ पर भरने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 8 से कम नहीं करने हैं, यहाँ पर 8 से ज़्यादा आप कितने भी रख सकते हो। यहाँ पर रखने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये नंबर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं कोई और पासवर्ड चूज करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई और ट्राई करता हूँ। ट्राई कर देने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको अपने नंबर वेरीफाई कर लेने हैं, और यहाँ पर कर देने के बाद में यहाँ पर आपको यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपके नाम से ईमेल आईडी बन चुके हैं जैसे Rahul12345। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद में ये मेरे फ़ोन में आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे चले जाना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट होने के बाद में अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है। ये थोड़ी देर में हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में ये खुल चुका है। मैं यहाँ पर जो मैंने ईमेल आईडी बनाई थी वो यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये लॉगिन आईडी
ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको अपने ऊपर वाले लोगिन ऐड पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर नीचे की साइड में आपके सामने ऑप्शन आ जाता है योर चैनल, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने अपने चैनल का नाम क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी आप यहाँ पर अपना चैनल, जैसे आप टेक चैनल बनाना चाहते हो या व्लॉग चैनल बनाना चाहते हो, जो भी आप चैनल बनाना चाहते हो उस हिसाब से नाम रख देना है। जैसे मैं यहाँ पर टेक चैनल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं राहुल टेक लिख के सर्च सेव कर देता हूँ। जैसे अगर आप व्लॉग चैनल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर राहुल व्लॉग या कुछ भी आपके हिसाब से आप जो भी नाम क्रिएट करना चाहते हो अपने YouTube चैनल का, वो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर सेव कर देने के बाद में यहाँ पर ऊपर साइड में आपके पिक्चर का ऑप्शन, प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद में चूज फॉर योर फोटोज पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं गैलरी पर क्लिक कर लेता हूँ इमेज पे। तो यहाँ पर कोई भी आपको, जैसे आपको YouTube चैनल पर कोई भी लोगो यहाँ पर रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। कोई भी आपको फ़ोटो यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इस फोटो को लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकता हूँ। ये मेरे फ़ोन में थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, हो चुकी है। और यहाँ पर आपको क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा चैनल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और मेरा चैनल राहुल टेक के नाम से यहाँ पर बन चुका है। इस प्रकार से आप अपना YouTube चैनल बना सकते हो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और आपको ये जानकारी हमारी हेल्पफुल लगी हो तो यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार से आप नया YouTube चैनल इस प्रकार से बना सकते हो। धन्यवाद फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए।